राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आने के बाद भाजपा में सरगर्मियां बढ़ गई है। भाजपा ने 115 सीट पर विजय प्राप्त कर अपना बहुमत साबित कर दिया है। इस वक्त भाजपा आलाकमान जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजस्थान का सीएम कौन बनेगा उस चेहरे की तलाश में है, पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों से कुछ खबरें ऐसी छनकर आ रही है कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है, जिससे मामला और गर्मा गया है। इस बाड़ेबंदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी बयान सामने आया है। सीपी जोशी ने बाड़ेबंदी की इस खबर को पुरजोर के साथ नकार दिया। सीपी जोशी ने कहा, कोई बाड़ेबंदी नहीं है, सभी विधायक अपने क्षेत्र में है और लगातार जनता से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जोशी ने यह भी कहा कि बीजेपी में बाड़ेबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आगे कहा कि विधायक दल की बैठक जैसे ही तय होती है, सभी विधायक जयपुर आ जाएंगे। पर्यवेक्षक नियुक्त होते ही विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद ही राजस्थान के नए सीएम पर फैसला होगा। सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। नमस्कार। मिलने गया था, हाँ तो मिलने गया था, तो फिर वो कारण भी मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वो मिलने मत जा। थोड़ा तेज बोलो हेमराज। मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्य तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे, वो हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं ले आया, मेरे साथ 10-5 जने थे। लेके आया, कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे? वो एक रिसोर्ट है ना, आप लोग राजस्थान वाले रिसोर्ट। जल्दी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया तय है। पिछले कल से एक खबर चल रही है, बाड़ेबंदी जैसी खबरें आ रही है। कोई बाड़ेबंदी नहीं, सब लोग को अपने क्षेत्र में निर्देशन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी, सब लोग जा रहे हैं। ललित मीणा की बात आई है कि किसी होटल में ठहराया गया, फिर आपके संगठन के रहे उनको लेकर आए, तैयारी नहीं, सभी अपने क्षेत्र में है और सब लोग जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, देवदर्शन कर रहे हैं, जहाँ मन्नत मांगी वो पूरी कर रहे हैं। और जैसे ही विधायक दल की बैठक तय होगी, सब लोग जयपुर। इंतजार इतना हो गया कि सर अब फेक न्यूज़ भी खबर चलने लगी है कि ये मुख्यमंत्री है, ये उप मुख्यमंत्री है। ये सारे निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद होंगे और मैं सोचता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, पार्टी मुख्यमंत्री है, तो जो होगा पार्टी के और प्रदेश के।